लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वो सिर्फ सवर्णों के लिए मनाया जा रहा है जो देश को लूट करके अमीर हो गए। अगर अमृत महोत्सव की बात करता सच, अगर उसके दिल में जरा भी देश के प्रति ईमानदारी होती तो चलो मान लेता हूँ कांग्रेस ने गलती किया था 1950 में जब रियासती राजाओं का राजपाट लिया गया था, आजालान कर देता कि भाई जमीन का वितरण होगा, सबको बराबर मिलता, तब तो मन मानता कि अमृत उत्सव है। वो अमृत उत्सव के नाम पर उसने दलितों, अछूतों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये संकेत दे रहा है कि ब्राह्मणों का अमृत उत्सव आ गया है, अब फिर मनोमस्ती तुम्हारे ऊपर लाद दिया, तुम्हारी बेटियों को उठाया जाएगा, तुम्हारे शोषण होगा, तुम्हारी लड़कियों को, जैसे कि जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं आज 18-17 दिन से यही पूरे भारत में हो रहा है। अभी अभी मीडिया में आया है कि मोदी के राज में गुजरात में 40,000 औरतों को नपाता कर दिया गया, ऐसे ही मध्य प्रदेश में कर दिए, ऐसे ही असम में कर दिए, ये मनुस्मृति टोटली लागू कर दिया मोदी। और 2014 से आज तक मोदी इतना धर्म पाखंड के अंदर में देश को बर्बाद कर दिया है कि इसका कोई सीमा नहीं है। साथ अमृतकाल बताती है बीजेपी इसको, सिर्फ सवर्णों के लिए अमृतकाल का है। हम कब कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए अमृतकाल है ना भाई, हमारे लिए तो नहीं है। अगर अमृतकाल होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों देता भाई, इतना नहीं दिमाग है लोगों में। लेकिन एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अरे भाई आदिवासी का मात नाम लो, जो मानसिक गुलाम है वो चाहे आदिवासी हो या दलित हो या क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। मानसिक गुलाम आदमी किसी भी कास्ट का है वो गुलाम है, जात से में नहीं मतलब है, व्यवस्था से मतलब है। यहाँ दो तरह की व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। जब से खड़गे जी कांग्रेस में आए हैं उन्होंने हिमाचल जीत लिया, अब जो है कर्नाटक जीत लिया है। भाई देखिए सवाल यहाँ है कि खड़गे के आने के बाद लोगों में परिवर्तन क्यों आया। खड़गे एक अच्छे विचारधारक ईमानदार आदमी है, तो दुनिया में ईमानदार आदमी का कदर होता है। जैसे बाबा साहब इतना ईमानदार, सिलवान, सत्य बोलने वाले थे कि उस समय में सारी प्रथा उनसे डरती थी, ब्राह्मणवाद इतना डरता था कि उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो सच बोलना और सच पे चलना सिर्फ अछूतों के अंदर में ताकत है, बाकी किसी कौम में नहीं है। बाकी तो इनके डीएनए में है छल, चोरी, अत्याचार, भ्रम डालना, डर पैदा करना। देश के अंदर में जितना अत्याचार हो रहा है ये सवर्णों के थ्रू हो रहा है। सवर्ण चाहे किसी पार्टी में हो, सवर्ण चाहे किसी भी पार्टी में है, वो सारे के सारे अत्याचारी, बलात्कारी, लुटेरे देश में हिंदू मुस्लिम का द्वेष पैदा करना, अछूतों में द्वेष पैदा करके और देश को लूटना और सत्ता पे बैठना, इनका यही नीति है। सर जो कर्नाटक में जीत हुई है कांग्रेस की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं कर्नाटक की जीत को देख रहा हूँ इस तरीके से कि अगर हमारे बहुजन समाज के अंदर जो SC ST आते हैं, अगर उनके हाथ में कांग्रेस अगर बहुत पहले नेतृत्व दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जो देखने को मिल रहा है। बीजेपी सरकार 2014 में आने के बाद देश के अंदर में मनुस्मृति विधान लागू कर दिया, जो पहले मनुस्मृति विधान में दासी प्रथा था, वही दासी प्रथा 2014 से पूरे भारत में शुरू हो गया है। तो छोटे मोटे गरीबों का लड़की को तो रोज करते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, लेकिन जो जंतर मंतर पे नेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ हुआ और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि सवर्ण जात नहीं चाहता है कि अवर्ण कोई आगे आए और अवर्ण कोई सुखी से रहे, अवर्ण कोई राजनीति करे। इनका मेन मुद्दा यही है कि मनुस्मृति के विधान पे जो काम करेगा वही आदमी हमारे साथ रहेगा, बाकी सारे हमारे मनुस्मृति के खिलाफ जो है सारे दुश्मन हैं। तो उसको दिखाने के लिए बहुत लेट कांग्रेस ने श्री खड़गे को अध्यक्ष बनाया और खड़गे ने ये साबित करके दे दिया कि अगर अछूतों के हाथ में ताकत दोगे तो अछूत हमेशा इस देश का रक्षा किया हुआ है, आज से नहीं, अंग्रेजों के साथ करा है,
सदियों से यहाँ लड़ाई जो चलती आ रही है अछूतों से और सवर्णों के बीच है। ये बीच में जितनी कौमें हैं ये सब जुटखैनी कौम है, लड़ने वाली कौम नहीं है। ये खड़गे ने कर्नाटका के चुनाव में साबित कर दिया है। अगर ये चीज़ को बरकरार सारी पार्टियां जितनी चल रही हैं अगर एक को अमल करें और अछूतों को आगे करें तो ये देश का परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो वरना ये गुलामी के एकदम दलदल में फंस गया है। सवाल है कि मोदी जी एक खुद बहुत बड़ा बहुरुपिया हैं, इतना बड़ा बहुरुपिया हैं कि उनके बराबर अगर कोई विश्व में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। झूठ बोलने का ही सिर्फ डिग्री लिए हुए हैं। राजनीति में धर्म कहाँ से आ गया? पहला चीज, बाबा साहब ऑलरेडी संविधान में कहीं किसी भी धर्म आस्था का जगह नहीं दिया है। जो धर्म आस्था में समाज को बांटता है, समाज में द्वेष करता है, उस ग्रंथ और उस विचारधारा को डायनामेटिक लगा करके उड़ा देना चाहिए। फिर मोदी किस बात पे कह दिया कि बजरंग दल हो रे बजरंग दल? अगर सच्ची रामायण पढ़ा होता तो कभी बजरंग दल की बात नहीं करते। अगर वो सच्ची रामायण पढ़ लिया होता तो कभी भी बजरंग दल या हिंदू धर्म या हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता। लेकिन उसको तो मेन चीज़ है, गलवलकर ने जो 1940 में किताब इशू हुई थी वी आर नेशनल हुड ऑफ डिफेंडेड, उस संविधान को लेके ये चल रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर कर दो और सारी संपत्ति मंदिरों में डाल दो और उस पैसे से हम देश के अंदर में अराजकता फैलाएं, गुंडागर्दी करें, सारे मीडिया हो, कोर्ट हो, पुलिस हो या जो भी व्यवस्था है सबको अपना तोता गुलाम बना करके और अपने फेवर में बात कराना। इसीलिए मोदी दलित के नाम पे, आदिवासी के नाम पे कार्ड खेल करके मनुस्मृति लागू कर रहा है। क्या अगर उसके अंदर में जरा भी राष्ट्रपति का गरिमा को बचाना होता और नारी होते हुए जरा भी शर्म होता ना तो यार 17 दिन से जंतर मंतर पे या लड़कियां धरना पे नहीं बैठी होती। उसके अंदर इतना पावर है कि ये पुलिस अब पुलिस और प्रधान सरकार को गिरा सकती है, अटकल 51 के तहत पावर है, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि खुद ही मोदी का पैर छूती है तो राष्ट्रपति किस काम की है भाई। जिस तरह से ये हारी है बीजेपी कर्नाटक में, कांग्रेस की सरकार वहाँ बन गई है, तो भविष्य में क्या मोदी का जलवा कम हो जाएगा? लग रहा है कि जो एक वो थी ताकत वो कम होती जा रही है मोदी की। देखिए मोदी का जलवा जब ही कम होगा कि अगर कांग्रेस चाहती है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और राहुल जो त्याग कर रहे हैं और प्रियंका जो त्याग कर रही है, तो मेरा आपके चैनल से आग्रह है कि हर क्षेत्र में SC ST को के हाथ में नेतृत्व दे। जब तक SC ST के हाथ में नेतृत्व नहीं रहेगा तो एक खड़गे के चलते देश में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यूपी में भी दे रखी जिन जिम्मेदारी खाबरी को, वो भी अध्यक्ष बना रखे हैं यूपी के, वो दलित हैं। अरे भाई मैं दलित मानसिक गुलाम को नहीं कह रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ कि ईमानदार आदमी को चाहिए। दलित पे मत जाइए, आदिवासी पे मत जाइए, खड़गे जैसे ईमानदार आदमी होना चाहिए। ईमानदार आदमी को वो नहीं देंगी। मतलब मोदी को टक्कर दे पाएंगे खड़गे साहब? खड़गे देंगे जब ही कि खड़गे का ताकत हाथ मजबूत करेंगे। हाँ जब ही मजबूत होगा कि खड़गे जैसे ईमानदार SC ST को स्टेट में पावर देंगी। गुलाम और चमचों को देंगी तो वो ब्राह्मणवाद की बात करेगा, तुम्हारे को काटेगा, तुम्हारे तरफ तुम्हारी बात करेगा और ब्राह्मणों से मिलके पैसा ऐंठ करके और तुम्हारे को नैया डुबा देगा, जैसे टोटली उदित राज हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, रामदास अठावले हैं, देख रहा हूँ ना आप। इसी तरह से गुलामों को अगर वो आगे बढ़ाएंगी तो डूब जाएंगे। उनको चाहिए खड़गे जैसे ईमानदार। ईमानदार आदमी हमेशा लड़ता है, मरता है, कटता है, और चोर आदमी हमेशा बिकता है, उसे बिकने से मतलब है। तो कांग्रेस को बहुत देर में आंख खुली है, जब कांग्रेस की नैया के दलित पार लगा सकते हैं, मजबूत पार लगा सकते हैं, वरना कोई नहीं लगाएगा। अब स्थिति इतनी आ गई है कि सवर्ण टोटली बीजेपी में चली गई है, इसलिए कि बीजेपी छूट दी है लूटने के लिए। तो हमें भैया जहाँ पैसा लूटने को मिलेगा तहाँ ना जाऊँगा, कि हम आपके साथ क्यों जाऊँगा। तो इसलिए अब सवर्ण इनके साथ नहीं आएगा। दलित इसलिए आएगा कि दलित कुच रहा है, पीट रहा है, मर रहा है,
तो कम से कम देख रहा है कि एक हमारा ईमानदार आदमी आ रहा था, कम से कम मेरी सुनवाई होगी, मेरे अत्याचार पे कुछ विचार होगा। और अत्याचार पे विचार जब ही होगा कि जब पावर में आएंगी। अब पावर में न होने के कारण से ना यहाँ बताइए कि एक लड़कियों का शोषण हुआ और अधिकार के लिए यहाँ मर रही हैं। तो इसका जिम्मेवार गुलाम बीजेपी में जो बैठे हुए हैं 77 एससी एसटी सांसद और ओबीसी के जो 85 सांसद बैठे हैं, इनको घर में जा जा करके इनको इतनी पिटाई करो कि ये इनके पूरे खानदान भूल जा कि राजनीति क्या होती है। जब तक यह नहीं होगा तब तक देश में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे गुलामों को आप दलित कहोगे तो हम उनको दलित नहीं मानता हूँ, उनको तोता गुलाम मानता हूँ। जो भी तो इस बात को ध्यान देते हुए कांग्रेस से मैं फिर यही कहूँगा कि कांग्रेस खड़गे जैसे ईमानदार आदमियों को स्टेटों में जब तक नहीं लाएगी तब तक बच्चों और सुस्का नहीं बढ़ेगा।